डॉबरमैन पिंचर और पिटबुल टेरियर, ये दोनों ऐसी डॉग ब्रीड है जिनको काफ़ी डेंजरस डॉग माना जाता है। पिटबुल टेरियर एक तरफ है जिसे समझा जाता है कि ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, ये दूसरे डॉग्स को भी मार देते हैं और ऐसे काफ़ी सारे केसेस हमें न्यूज़ वगैरह में सुनने को भी मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है डॉबरमैन पिंचर जिसे एक काफ़ी अच्छा गार्ड डॉग माना जाता है। सो क्या होगा अगर पिटबुल टेरियर और डॉबरमैन पिंचर को एक साथ क्रॉस ब्रीड किया जाए? क्रॉस ब्रीड का सिलसिला काफ़ी डॉग्स के साथ होता है, लैब्राडूडल हो गया, गोल्डन डूडल हो गया, और भी ऐसे काफ़ी तरीके के क्रॉस ब्रीड डॉग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी लोग लेते भी हैं और डॉग ब्रीडर्स जो है वो ब्रीड भी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल काफ़ी पॉपुलर है गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर का मिक्स। तो ऐसे ही काफ़ी पॉपुलर क्रॉस ब्रीड डॉग्स के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि अगर डॉबरमैन पिंचर को अगर पिटबुल टेरियर के साथ क्रॉस ब्रीड किया जाए तो कौन सा डॉग प्रोड्यूस होता है और किस तरीके का डॉग प्रोड्यूस होता है। फिर मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो मैंने देखा कुछ ऐसे रिजल्ट्स जो कि आपको भी हैरान कर देंगे। बट वो पिटबुल टेरियर और डॉबरमैन पिंचर का मिक्स दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग कहने वाले हैं कमेंट सेक्शन में कि ऐसे क्रॉस ब्रीड नहीं करनी चाहिए डॉग्स की, तो मैं बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री में काफ़ी ऐसे डॉग ब्रीडर्स रहे हैं जो कि डॉग्स को इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं क्रॉस ब्रीड करके और कोई एक नया डॉग ब्रीड निकल के आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डॉबरमैन को ही हम ले सकते हैं, डॉबरमैन में 7 तरीके के डॉग ब्रीड के मिक्सेस है, चाहे वो जर्मन शेपर्ड हो गया, रॉटवाइलर हो गया, या फिर जर्मन पिंचर हो गया, या फिर ग्रेट डेन तक का यूज़ किया गया था डॉबरमैन की डॉग ब्रीड को बनाने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री में या फिर अभी भी काफ़ी ऐसे डॉग्स हैं जिनको क्रॉस ब्रीड किया जाता है एक नया डॉग ब्रीड प्रोड्यूस करने के लिए। काफ़ी ऐसे डॉग्स अच्छे भी निकल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लैब्राडूडल को ले सकते हैं जो कि काफ़ी क्यूट और काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे क्रॉस ब्रीड डॉग्स भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही डेंजरस हो जाते हैं। सो जब मैंने सर्च किया डॉबरमैन पिंचर और पिटबुल टेरियर के क्रॉस ब्रीड के बारे में तो मुझे गूगल पे ये इमेज दिखी, और ये इमेज जो है इस डॉग को देख के काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लग रहा था कि ये कोई जॉम्बी डॉग है, क्योंकि इसे आप अगर ध्यान से देखें तो इसका बॉडी का कोट कलर जो है वो आपको पिटबुल टेरियर की तरह लगेगा, लेकिन इसका बॉडी पोस्चर जो है, बॉडी साइज जो है, वो डॉबरमैन पिंचर की तरह है। आप उसका फेस भी देख सकते हैं। और भी ऐसे कई तरीके की इमेजेस देखने को मिली मुझे जो कि पिटबुल की तरह ही ज़्यादातर कोट था और डॉबरमैन की तरह ही बॉडी पोस्चर था। कुछ कुछ फेस का साइज़ जो है पिटबुल की तरह बड़ा भी हो गया था, लेकिन ज़्यादातर इन क्रॉस ब्रीड डॉग का साइज़ जो है, मतलब बॉडी पोस्चर जो है, वो डॉबरमैन पिंचर की तरह ही था। खैर मुझे नहीं पता कि इन क्रॉस ब्रीड का, इस क्रॉस ब्रीड डॉग का नेचर कैसा होता है, ये फर्स्ट टाइम ओनर के लिए कैसे होते हैं, इसके बारे में उतनी डिटेल्स है नहीं। बट मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों डॉग्स जो है, इन दोनों डॉग ब्रीड का क्रॉस जो है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है अगर एक रिस्पॉन्सिबल ओनर के हाथ में ना रहे तो। आप इस डॉग ब्रीड के बारे में क्या सोचते हैं? खैर ये कोई डॉग ब्रीड तो नहीं है, इन्हें फैंसी डॉग्स कहा जाता है, एक दूसरे का क्रॉस ब्रीड। तो ये क्रॉस ब्रीड के बारे में आप क्या सोचते हैं, डॉबरमैन पिंचर और पिटबुल टेरियर का क्रॉस ब्रीड, इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और वो बेल आइकन भी, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।